कवि कुमार आजाद के बारे में क्या बताऊं, उसका और मेरा बर्थडे एक ही दिन होता है, 12 मई, और हमारा खाली 12 मई को ही नहीं होता, साथ में वो जो ईयर है वो भी हमारा एक ही होता था। हम दोनों लड़ते थे आपस में, वो कहता था तू बड़ा है, मैं कहता था नहीं तू बड़ा है। बड़ा मजा आता था हम दोनों को, उसे हमारा घर वाला रिश्ता था पूरा, तो हम लोग ये करते थे। फिर एक दिन पता चला वो अर्ली मॉर्निंग पैदा हुआ था और मैं रात को पैदा हुआ था, मैंने कहा तू बड़ा है, मैं छोटा हूँ। प्रांडे चांडे लेके आता था सोरे, सोड़ी सोड़ी क्या बुलाते थे सब मुझे, और सोड़ी तेरे लिए वो प्रांडे चांडे भेजा है मम्मी ने, आया मैं क्या आ रहा हूँ। तो हम लोग बैठ के चाय वाय मंगा के फिर खाते थे प्रांडे प्रांडे। उसने अपनी एक दुकान भी खोली थी वहां पे मीरा रोड में, बहुत फेमस दुकान थी, नंबर वन थी, आज भी है वो। तो उधर वो रोल बनाता है, तो मैं तो नॉनवेज खाता नहीं हूँ, तो फिर मेरे लिए स्पेशल उसको साफ करवा के, जो कुक साहब से उनको बोल के पूरा साफ करो, फिर पूरा उसको साफ करवा के फिर उसमें वो पनीर वाला जो होता था मुझे बनाता था। एक ही रोल इतना बड़ा होता था, बाप रे पेट भर जाता था, इतना टेस्टी था ना पूछो मत। आजाद की बहुत याद आती है, आज आजादी का दिन है तो और भी अच्छी है। बस मैं उसको कहता था यार शादी करा ले तू। तो उसको बच्चे बहुत पसंद है, वो बच्चों के साथ बहुत खेलता था, कहता था छोटी शादी तो करा लूं लेकिन यार मेरा पता नहीं है तो मेरी बीवी का क्या होगा, तो ऐसा करके बोलता था। फिर उसके घर जाता था, उसकी दादी जी सुखमनी साहब का पाठ रोज करती थी, उसके पापा जी शिव जी जी को मानते थे, तो उसके घर में सब चलता था अच्छा, धर्म के बारे में मतलब बहुत उनका वो प्रेयर्स करते रहते थे। वो एक्चुअली सिंधी था तो इसलिए वो गुरु नानक देव जी को मानते हैं, तो उसकी उनकी दादी सुखमनी साहब का पाठ करती थी रेगुलर। आज ही मैं बात कर रहा था कि मतलब एकदम ही शूटिंग पे ये जो हुआ था ना वो